अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करते मेरे प्यारे भाई और दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारा रिक्वायरमेंट निकल के आया और थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था पिछली वीडियो में, क्लैरिटी सही नहीं था, वॉइस भी नहीं था, विदाउट वॉइस का था बट क्लैरिटी भी सही नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सी शिकायत आई थी। तो उम्मीद करेंगे कि आपके लिए ये वीडियो जूम करके दिखाया, क्लैरिटी भी रहे और इसकी वॉइस क्वालिटी भी अच्छी आए, इसकी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए पूरी रिक्वायरमेंट बात करेंगे, अपडेटेड रिक्वायरमेंट और पिछली वीडियो सही नहीं होने की वजह से माफ़ी चाहेंगे आप लोगों को दिक्कत होने के लिए, जो भी परेशानी हुई उसके लिए। और अगर पेपर आप चाहते हैं अपडेटेड, जो भी पेपर है पेपर अगर आप चाहते हैं तो पेपर आपको अवेलेबल मिल जाएगा ट्विटर हैंडल पर, ट्विटर हैंडल का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। सिंपली कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वारीज होता तो आप सिंपली मैसेज कर सकते हैं, यानी कि कमेंट्स कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जुड़ने के लिए सिंपल थ्रू आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। चलिए रिक्वायरमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर रिक्वायरमेंट से पहले एक बताएंगे आपको, ये देखिए कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। देखिए कैंट कतर का कुछ रिक्वायरमेंट बच्चे पूछ रहे थे लड़के की, क्या है ये जेन्युइन है या नहीं है, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए ये अल दरवेश मैन पावर का है, ये झारखंड का है। ये देखिए ये कोई ज़्यादा मतलब हेवी कंसल्टेंसी नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। और आप जो पूछ रहे छोटे छोटे जगह पे छोटे छोटे सिटीज़ के लिए कि वहाँ जेन्युइन कंसल्टेंसी, जेन्युइन कंसल्टेंसी हर जगह नहीं है, जहाँ जहाँ है कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह आपको बता देंगे। 10 तारीख के अंदर अंदर कुछ और भी वीडियोस आएगा जो कंसल्टेंसी के ऊपर स्पेशली होगा। कभी कलेक्शन चल रहा है, अभी सर्च चल रहा है, ऐसा कुछ सारा कुछ अगर क्लियर हो गया तो क्रॉस चेक हो जाएगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह कुछ कंसल्टेंसी के बारे में बताएंगे आपको। चलिए रिक्वायरमेंट बताते हैं फिर। लीडिंग हेवी इक्विपमेंट का कुछ रिक्वायरमेंट आया, रेंटल ट्रेडिंग को दुबई का, ये रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी, ये आरके ट्रैवल्स ब्यूरो है, देख लें सुन लें, आरके ट्रैवल्स ब्यूरो, जी हाँ ये आरके ट्रैवल्स ब्यूरो है। ये इंटरव्यू 5 तारीख को इंटरव्यू है आरके ट्रैवल्स ब्यूरो, और ये तेलंगाना का कंसल्टेंसी है। मेल आईडी यहाँ है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ है, मोबाइल रिक्वायरमेंट की डिटेल जाने के, कंसल्टेंसी के बारे में भी डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ देखें मोबाइल क्रेन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया यूएई लाइसेंस नंबर 8 एंड सर्टिफिकेट्स होना चाहिए आपके पास। सैलरी मेंशन किया हुआ है, ड्यूटी इतना टाइम होगा, ओवर प्लस ओवर टाइम होगा, एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड हुई कंपनी करेगी। फूड यहाँ पे मेंशन नहीं है, ध्यान देने वाली बात ये है कि फूड यहाँ पे मेंशन नहीं है। फूड का जो भी आपको मसला हो आप एक बार कॉल करके ऑफिस नंबर पे क्लियर कर लें। ये अप्रूव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का है, ये तेलंगाना का रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी है, 1000+ है और ये अच्छी कंसल्टेंसी है, भरोसा कर सकते हैं, एजेंट से बहुत ही बढ़िया है। अगर आप तेलंगाना में अवेलेबल हैं कहीं भी तो सिंपली आपके लिए हो सकता है ये बेस्ट और बेटर। ज़्यादा जानकारी के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट सिंगापुर का निकल के आ रहा है, जी हाँ सिंगापुर का ये जेन्युइन रिक्वायरमेंट है सिंगापुर का जेन्युइन रिक्वायरमेंट है और इस पर आप भरोसा कर सकते हैं, इसलिए भरोसा कर सकते हैं, ये कंसल्टेंसी टॉप कंसल्टेंसी में इसका नाम आता है। सिंगापुर जॉब ओपनिंग इंडमान की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकल के आया है। देखें यहाँ पे पोजीशन कौन कौन सा है, मेंशन किया गया प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, फोरमैन पाइपिंग वेल्डिंग रिगिंग स्कैफोल्डिंग का है, पाइप फैब्रिकेटर का रिक्वायरमेंट है, वेल्डर का रिक्वायरमेंट है, स्कैफोल्डर का रिक्वायरमेंट है, रिगर का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे स्कैफोल्डर एक हमारे स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर फोरमैन जुड़े हुए हैं फैयाज साहब, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए हो सकता है बहुत अच्छा हो, तो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ उठता है कि अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो क्या है। यहाँ पे अप्लाई करने का, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको मेंशन किया गया, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा सिंपली, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है बट आपको हम मेल आईडी भी बताएंगे, मेल आईडी भी शो करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे मेल आईडी भी देखिए मेंशन किया, लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे मेल आईडी यहाँ पे मेंशन किया गया है। सिंपली इस मेल आईडी पे आप मेल कर देंगे hrdept@indman.com hrdepartment@indman.com, तो ये आप मेल कर सकते हैं। यहाँ पे मेल आईडी मेंशन किया हुआ है, ये कंसल्टेंसी की बात करो और चार्जेस की इसकी बात करते हो, चार्जेस का इसमें कुछ मेंशन नहीं किया। कंसल्टेंसी अच्छी है, ऑफिस बेहतरीन है, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, 100% जेन्युइन है, फुल गारंटेड है, इसे भरोसा कर सकते हैं। अगर आप इस जॉब से रिलेटेड हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखिए कुछ निकल कर रहा है देखिए ये कंसल्टेंसी की बात करो, ऑफिस की बात करो, सबसे पहले ये जो पोस्ट है बहुत सारे ऐसा पोस्ट है जो फेसबुक पे ये पब्लिश किया जाता है, तो इस पोस्ट पे भरोसा करना है या नहीं करना है ये सबसे बड़ा मसला होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दुबई का दिया है, सीवी सिलेक्शन दिया है, एमईपी दिया है, सारा कुछ ठीक है, बट यहाँ पे कंसल्टेंसी का कोई नाम चार @mailid दिया जॉब.com,
तो यहाँ पे देख रहे कुछ खास कंसल्टेंसी का मेल आईडी मेंशन किया हुआ, बस नाम एड्रेस वगैरह कुछ मेंशन, इससे क्या क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे आप। अगर इसमें सारा कुछ मेंशन होता है तो फिर इसको क्रॉस चेक करके आप ओके कर सकते हैं। अगर कुछ मेंशन नहीं है इसके अंदर तो मसला यही बनता है कि इसको चेक कैसे करें। यह मेल आईडी पे चेक करना जितना पॉसिबल नहीं होता, अगर कुछ थोड़ा भी कुछ एड्रेस में क्लू अगर हो तो आप इस पर क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसको ओके कर सकते हैं। वैसे हमारे तरफ से तो ओके नहीं है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है, देखें यहाँ पे सियाली एचआर सर्विस की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है। ये भी जेन्युइन कंसल्टेंसी है, चेन्नई की कंसल्टेंसी है। ओमान एलएनजी शटडाउन प्रोजेक्ट का कुछ रिक्वायरमेंट निकल के आया है। यहाँ पे शटडाउन में इंटरेस्टेड बंदे इस पर जरूर अप्लाई करें, फ्री रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट लार्ज नंबर है, फ्री रिक्वायरमेंट। टिग वेल्डर का रिक्वायरमेंट है, सीएस और एसएस होना चाहिए। सैलरी मेंशन किया हुआ है 100 आवर्स प्लस 80-90, और यहाँ पर टोटल मेंशन किया हुआ ओमानी रियाल्स कितना आएगा, ये आप सैलरी अच्छी तरह से देख ले। और आर्क वेल्डर है सीजी एसएस और सीएस के लिए, तो इसमें भी ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पे भी सैलरी आपका मेंशन किया हुआ, आवर्स मेंशन किया हुआ है, टोटल सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन रीड कर लेते हैं। कैंडिडेट एक्सपीरियंस इन द पाइप फैब्रिकेशन ऑफ 100% एनडीटी टेस्ट होना चाहिए भाई। एक्सपीरियंस ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इन सीजी सीएस एंड एसएस। सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट कम्प्लीट द सबमिट मेडिकल विद इन 3 डेज आफ्टर सिलेक्शन। बिफोर ट्रैवलिंग मेडिकल टेस्ट कॉस्ट विल बी टैक्ड बैक। आपको जो भी मेडिकल का कॉस्ट होगा आपको बाद में मिलेगा, मगर यहाँ नहीं, वहाँ पहुँचने के बाद में उसका कुछ सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट 1 से 3 महीने का ड्यूरेशन रहेगा प्रोजेक्ट का। इंटरव्यू ऑन 10-11 को इंटरव्यू होगा, संडे और मंडे को। डिपार्चर 1st week of February में ही इसका डिपार्चर होगा, ये भी क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। ऑफिस की बात करें तो ऑफिस अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी है। सिंपली अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, अच्छी कंसल्टेंसी। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है इसमें, ये मेन मसला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेबसाइट मेंशन किया हुआ है, वेबसाइट पर आपको विजिट करना पड़ेगा। सिंपली वेबसाइट विजिट करें, वेबसाइट विजिट करके पूरा डिटेल्स आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। ये आपको करना होगा, ये और कोई नहीं करने वाला। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर करें, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलिए अगली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। अगला रिक्वायरमेंट भी जेन्युइन रिक्वायरमेंट आ रहा है, ट्रांसगार्ड सेमी गवर्नमेंट कंपनी। आपको पता होगा ट्रांसगार्ड बहुत अच्छी कंपनी है, इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड का इस कंपनी में कुछ रिक्वायरमेंट निकल के आया है। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी और पूरा डिस्कशन क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। पूरा मेंशन किया हुआ है, सैलरी अगर 2267 दरहम है, हाइट इतना होना चाहिए, एज इतना होना चाहिए, इंग्लिश फ्लुएंट होना चाहिए, अच्छी अंग्रेजी बंदे को आनी चाहिए, और ये पूरा जो भी क्राइटेरिया है इनका क्राइटेरिया के अंदर आप फिट आने चाहिए। अगर आप फिट हैं तो ही इसमें अप्लाई करें। और क्लाइंट इंटरव्यू नेक्स्ट वीक होने वाला है, कोची, कालीकोट, कोलम, पलक्कड़, ये 4 जगह पे इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू में अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो पहले मेल कर दें सीवी। मेल करने के लिए मेल आईडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ये बात करें इंटरनेशनल सिटी लिंक, ये अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी है, ये मुंबई की रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी है। इसका एड्रेस यहाँ पे दिया है, इस एड्रेस पे ये इंटरव्यू होने का चांसेस है। इस एड्रेस पे यहाँ पे आप पहुँच विजिट कर सकते हैं आप। इस ऑफिस का जो ब्रांच है वो यहाँ पे, ये कुछ जगहों पे इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली नंबर भी दिया हुआ, नंबर से आप कांटेक्ट करके यहाँ एड्रेस मेंशन किया हुआ कोची का एड्रेस पे पहुँच सकते हैं। ऑफिस जेन्युइन है, भरोसेमंद है, इसमें भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए जॉब बेहतर हो। बहुत सिक्योरिटी गार्ड भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इसमें एक चीज़ और भी मेंशन किया हुआ, ये ध्यान दें, आपको बताना भूल गए थे हम, फ्रेशर कैन अप्लाई। तो यहाँ पर अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल फ्रेशर है, पहली बार अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो जो भी फ्रेशर है, नए पहली बार जाना चाहते हैं, वो भी जरूर अप्लाई करें। ट्रांसगार्ड बहुत अच्छी कंपनी है, आप बन करके जा सकते हैं इसमें। कुछ और भी रिक्वायरमेंट दुबई का रिक्वायरमेंट निकल के आया, इसके बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे जूम करके पूरी क्लैरिटी के साथ आपको दिखाने के। वी आर यहाँ मेंशन किया, वी आर हायरिंग दुबई यूएई फैसिलिटी मैनेजमेंट डिवीजन का कुछ रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो रिक्वायरमेंट क्या है देख लें, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जूनियर एचवीएससी टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर, ये थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको, क्योंकि बहुत सा शिकायत आ गया था कि भाई आपका क्लैरिटी नहीं है, सही नहीं दिख रहा है, तो इसलिए जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। जूनियर एचवीएससी टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, सीनियर एचवीएससी टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे क्लाइंट इंटरव्यू होगा डायरेक्टली 6 तारीख को, 6 जनवरी को इन बैंगलोर। तो बैंगलोर के अंदर जो बंदे उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर पाते हैं तो कॉन्टैक्ट कर लें। यहाँ पे नंबर मेंशन किया हुआ, अप्लाई करने के लिए सिंपली मेल आईडी यहाँ पे मेंशन किया, मेल आईडी मेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वारीज है तो कॉन्टैक्ट करके क्लियर करें, ऑफिस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, बल्कि हमें नहीं। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो आप व्हाट्सअप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पर मेन इसकी रीड कर लें आप, डिस्कशन क्या है, आईटीआई डिप्लोमा इन एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड। आपके पास आईटीआई या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सेम फील्ड में,
एट्रैक्टिव सैलरी रहेगा, एकोमोडेशन और ओवर टाइम अदर बेनिफिट्स मिलेगा। फूड यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, फूड से अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया हुआ है कंसल्टेंसी का, अच्छी तरह से आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। सेकंड फ्लोर फ्लायर व्यू 29454 रामदास कॉम्प्लेक्स नियर नवरंग सर्कल महाकवि कावेमपुर रोड एंड राजाजी नगर बेंगलोर। यहाँ पे देखिए पूरा एड्रेस मेंशन किया है। ऑफिस भरोसेमंद है, कंसल्टेंसी अच्छी है, गवर्नमेंट अप्रूवल है, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए ये जॉब बेहतर साबित हो गया है, तो इसमें ज़रूर अप्लाई करें, देर ना करें। अगला कुछ रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है कतर का, कतर की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह, पूरी डिटेल्स बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप क्लियर नहीं देख पा रहे तो ज़रूर एक बार हमें मैसेज करें। अमवाज का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, कतर फॉर द अमवाज कैटरिंग कंपनी का रिकॉर्ड है। स्पॉट सिलेक्शन होगा, मेडिकल आपको साथ ही साथ दिया जाएगा। इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड इन बैंगलोर, मैंगलोर ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ही सिर्फ इंटरव्यू अटेंड कर पाएंगे। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर अटेंड कर पाएंगे। इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट हो रहा है, शॉर्टलिस्ट आप कराना चाहते हैं ऑफिस विजिट कर लें, ऑफिस विजिट करके शॉर्टलिस्ट करा सकते हैं, अभी मेल भी कर लें आपकी मर्जी है, ऑफिस विजिट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कौन से पोस्ट का यहाँ पे वैकेंसीज है। यहाँ पे किचन असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट है, क्लीनर का रिक्वायरमेंट है, स्टीवर्ड का रिक्वायरमेंट है, हाउसकीपिंग स्टाफ का रिक्वायरमेंट है, बैंक्वेट हेल्पर का रिक्वायरमेंट है। अबव ऑफ द टैक्स फ्री बेसिक सैलरी होगा आपका 20,000, मैंने इंडियन करेंसी भी कन्वर्ट किया गया। यहाँ पे मेन चीज़ ये ECR ECNR बोथ आर एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे दोनों पासपोर्ट यहाँ पे चले गए। यहाँ पे और कुछ भी रिक्वायरमेंट है उसकी बात करते हैं। रिसेप्शनिस्ट का रिक्वायरमेंट है, वेटर का रिक्वायरमेंट है, हेड कुक एंड सॉस सेफ का रिक्वायरमेंट है, कैटरिंग सुपरवाइजर, स्टीवर्ड सुपरवाइजर, फूड हाइजीनिक सुपरवाइजर, कॉस्ट कंट्रोलर का भी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर से, यहाँ क्वांटिटी मेंशन नहीं किया तब भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत से बंदों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे। फॉर द ऑल अबव कैटेगरीज टैक्स फ्री बेसिक सैलरी और फ्री फूड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाई कंपनी। यहाँ पे देखिए आपको सारा कुछ कंपनी की तरफ से मिलने वाला है, या फूड से लेके एकोमोडेशन और सारा कुछ कंपनी प्रोवाइड करेगी यहाँ पे। यहाँ पे बात करते हैं कंसल्टेंसी की जेन्युइन है या नहीं है। कंसल्टेंसी देखिए भरोसेमंद है, ये रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी IOC सर्विस या बैंगलोर के में अवेलेबल है, ये गवर्नमेंट अप्रूवल्स कंसल्टेंसी है और ये भरोसेमंद है, रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी। इसको जो भी हम कंसल्टेंसी की बात करते हैं, जो भी ऑफिस की रिक्वायरमेंट पब्लिश करते हैं उसे क्रॉस चेक करके फिर आपके पास पब्लिश करते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी आया तो आपको बता दिया आप चले गए, वैसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप भरोसा कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मेल आईडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ, कोई भी डाउट्स कोई भी क्वारीज होता है तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस भी मेंशन किया हुआ, ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। तो कुछ नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। यहाँ देखें नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे प्रेरणा कंसल्टेंसी का रिक्वायरमेंट है। प्रेरणा आपको मालूम है मुंबई के अंदर अवेलेबल है, अच्छी कंसल्टेंसी है। यहाँ पे 6 तारीख को इसका इंटरव्यू होने वाला है। दुबई का कुछ रिक्वायरमेंट निकल गया है, रिक्वायरमेंट फॉर द शिप रिपेयर कंपनी क्लाइंट इंटरव्यू इन मुंबई 6 तारीख को। यहाँ क्लाइंट इंटरव्यू है, कॉन्टैक्ट करने के लिए नाम या मेंशन किया, बंदे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुंबई के अंदर अगर आप अवेलेबल है तो आपके लिए हो सकता है ये बेहतर ऑप्शन हो, बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी हो। पाइप फैब्रिकेटर के रिक्वायरमेंट है, 100 बंदे चाहिए ST। ये देखिए ऑफिस की खासियत ये, इसमें लिखता है 100 बंदे मगर पता चलता है जाने के बाद 10 ही बंदों की रिक्वायरमेंट है। तो ये ऑफिस का थोड़ा सा मतलब डिसएडवांटेज है। ऑफिस उतनी ज़बरदस्त नहीं है, बस ठीक ठाक है। एजेंट से तो बहुत ही बेटर है, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप भरोसा कर सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं है। इस चीज़ पर ना जाइए, कितनी रिक्वायरमेंट इस पर बिल्कुल ही ध्यान ना दे तो अच्छा रहेगा। इसमें से 1-0 आप हमेशा निकाल दिया करें हमारे हिसाब से, ठीक है। पाइप फैब्रिकेटर, ST फैब्रिकेटर एंड मिग एंड आर्क वेल्डर का रिक्वायरमेंट, टिग एंड आर्क वेल्डर एंड मुलियम वेल्डर एंड ब्लास्टर पेंटर, स्कैफ होल्डर, सेटरिंग कारपेंटर का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखें 8 घंटा ड्यूटी होगा, फ्री फूड एकोमोडेशन, ओवर टाइम, ECR पासपोर्ट कैंडिडेट ऑल्सो अप्लाई। ECR और ECNR बोथ आर अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इंटरव्यू कहाँ होगा, इंटरव्यू अनूप टेक में होगा। आपको अनूप टेक पता होगा, अनूप टेक मुंबई के अंदर अवेलेबल है, रवाले में और बड़ौदा में भी, गुजरात में भी शायद अवेलेबल है। तो वहाँ भी अनूप टेक है, यहाँ भी अनूप टेक है, तो अनूप टेक में आप डायरेक्टली जा सकते हैं या पहले अगर ऑफिस में जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ऑफिस का अगर कहेंगे आप एड्रेस नहीं पता है तो प्रेरणा कंसल्टेंसी लोगो आप चेक देख लें अच्छी तरह से। प्रेरणा कंसल्टेंसी सिंपली आप गूगल में चेक करेंगे, आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा। ये लोगो से आप एक बार देख के मैच कर लेंगे, हाँ यही ऑफिस है, इसी एड्रेस पर विजिट करना है, तो प्लीज़ विजिट ज़रूर करें।
तो ये था हमारा अब तक का पूरा रिक्वायरमेंट। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें। पहली बार हमारे चैनल विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। बहुत सा कमेंट्स और डाउट्स और क्वेश्चन रह गया था जो हमने बताया नहीं पाए, जो पढ़ नहीं पाए, तो चलिए इंशाल्लाह कोशिश करते हैं पूरा क्लियर करने के लिए। इसी वीडियो में इंशाल्लाह आपके जो भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो आपका भी कुछ क्वेश्चन है अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक, इंशाल्लाह हो सकता है आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैक रिचर लिखते हैं, भाई साउंडलाइन कैसी कंपनी है प्लीज़ बताएं। भाई ये साउंडलाइन कंपनी नहीं, साउंडलाइन एक ऑफिस है जो कॉन्सल्टेंसी जो यहाँ से आप काम कराती है, साउंडलाइन कोई कंपनी नहीं है। मोहम्मद साकिब अली लिखते हैं, रसिया में जॉब करने के लिए कितना एज होना चाहिए। देखिए एज का ऐसा ज़्यादा कुछ मसला नहीं है, बस भी 19-20 तो ऐसा होना चाहिए। और ज़्यादा कुछ इशू है जहाँ रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे वैकेंसीज है, वहाँ अगर पता करें तो ज़्यादा बता पाएंगे उनका क्या क्राइटेरिया मेंशन किया गया है वहाँ पे। नीपू कुमार राय लिखते हैं, नंबर नंबर आपको दे दिया गया है। नीपू कुमार राय लिखते हैं, हेलो यूरोप कंट्री का बात है क्या नीपू, बात समझ में नहीं आई। गुड़िया लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच जी, गुड मॉर्निंग। लाल बाबू शाह लिखते हैं, मेरा नेम लाल बाबू शाह, जे आई पी चाय सी स्वीट मेकर एंड। भाई देखिए जो भी ये रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया आप प्लीज़ वीडियो ज़रूर चेक कर ले एक बार। बसारत करीम लिखते हैं, सर प्लीज़ आप अपना नंबर सेंड कीजिए, नंबर आपको दे दिए बसारत जी, मैसेज करने के लिए शुक्रिया। छोटू कुमार लिखते हैं, सर मैं बलिया यूपी से हूँ, एल जी आपका मैंने पढ़ा है फ्रीजर व्रीजर का आपने बताया था, वॉशिंग मशीन का, तो जो भी रिक्वायरमेंट होगा इंशाल्लाह आपके पास जरूर पब्लिश किया जाएगा, फिर भी आप वीडियो देखते रहें। और मिथिलेश कुमार लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच जी मिथिलेश कुमार जी। इमरान अली हैदर लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी इमरान अली जी। स्वैग ऑनलाइन स्टोर लिखते हैं, डियर सर आई वॉन्ट टू रीड पेपर बट आई कैनॉट फाउंड पेपर, ट्विटर लिंक आपको हम दे दिए, फिर भी आपको किसी को ट्विटर लिंक का नहीं मिल रहा डिस्क्रिप्शन में तो जरूर हमें मैसेज करें, हम उन्हें प्रोवाइड कर देंगे। कादिर केडी लिखते हैं, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब। शाहरुख लिखते हैं, ओनली फॉर रिटर्नर की है इंटरव्यू, ये फ्रेशर जाए तभी तो रिटर्न होंगे। बिल्कुल जी, फ्रेशर जाएंगे तभी रिटर्न होगा, फ्रेशर नहीं जाएंगे तो रिटर्न कैसे होंगे। फ्रेशर्स का भी कुछ रिक्वायरमेंट है, थोड़ा कम आता है बट आता है, तसल्ली रखें इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। मनोज कुमार दास, पावर प्लांट जॉब स्टील प्लांट जॉब भी अवेलेबल है, चेक करें वीडियो। इशाक खान लिखते हैं, भाई वीडियो में रॉयल रिच ऑफिस की यूरोप की रिक्वायरमेंट है तो ये ऑफिस जेन्युइन है। बिल्कुल जेन्युइन है, हमारे द्वारा बताया गया ऑफिस सारा ही जेन्युइन है। कंसल्टेंसी के यहाँ लिखते हैं, विजय लिखते हैं, कंसल्टेंसी के मिनिमम चार्जेस कितना होता है। देखिए कंसल्टेंसी का मिनिमम चार्जेस वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, फ्री भी होता है, 15,000 भी होता है, 30,000 भी होता है, 50 भी होता है, तो आप एक बार कंसल्टेंसी जरूर कंसल्ट करें तो वहाँ से आपको क्लियर पता लग जाएगा। इरफान से लिखते हैं, दुबई ड्राइवर की जॉब वैकेंसीज डाले भाई, इंशाल्लाह ज़रूर डालेंगे, इंतज़ार रखें। अबरार अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जॉब है तो बताइए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे, थोड़ा तसल्ली रखें। सानवा शेख लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, ये AM ओवरसीज़ ऑफिस कैसी है, बहुत अच्छी बेहतरीन ऑफिस है। मोहम्मद साकिब अंसारी लिखते हैं, भाई मैं डिप्लोमा किया हूँ, मेरे पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, सुपरवाइज़र का एक्सपीरियंस है, तो आप प्लीज़ अप्लाई ज़रूर करें, जॉब बहुत सा अवेलेबल है आपके लिए। अल्तमस मकरानी लिखते, कस्टमर केयर जॉब को है, अभी फ़िलहाल तो नहीं है, इंतज़ार करें इंशाल्लाह आएगा। मेरा चैनल लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, CV सिलेक्शन रिक्वायरमेंट बताइए इलेक्ट्रीशियन का। अब आपको अलग से तो नहीं बताएंगे, वीडियो में हमने बहुत सारे रिक्वायरमेंट बताया, प्लीज़ आप वीडियो जरूर चेक करें, वीडियो नहीं देखते तो ये आपकी कमजोरी और आपकी कमी है शायद। यूनुस अंसारी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, पाइप फैब्रिकेटर हूँ, कोई जॉब है तो बताइए। जी नहीं, कोई जॉब नहीं पाइप फैब्रिकेटर का, क्या बात कर रहे हैं, हज़ारों जॉब आपको बताया जा रहा है वीडियो का, तो फिर भी आप पूछ रहे कोई जॉब है तो बताइए। मिनाज अहमद लिखते हैं, आई एम हैवी इक्विपमेंट टायरमेंट, कोई मसला नहीं बता रहेगा। मोहम्मद मुनीर लिखते हैं, सर लखनऊ में जेन्युइन, हमने पहले ही बताया लखनऊ में कोई जेन्युइन ऑफिस नहीं है, अभी हमें नहीं पता है। और एडिटिंग ज्ञान लिखते हैं, हैप्पी न्यू ईयर भाईजन, थैंक यू वेरी मच जी। एडिटिंग ज्ञान सद्दाम हुसैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तौहीद अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, कतर का नया वीज़ा स्टैंपिंग हो रहा है कि नहीं। जी हाँ हो रहा है। जाहिद हुसैन भाई, मुंबई में अच्छी CV कहाँ बनती है, अच्छी CV का मतलब क्या है। RR जेना लिखते हैं, हैप्पी न्यू ईयर माई स्वीट ब्रो, थैंक यू वेरी मच जी RR जेना। RR जेना आई थिंक आप उड़ीसा से हैं, अगर उड़ीसा से है तो जरूर एक बार मैसेज करें। मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद अख्तर अली लिखते हैं, आई नीड एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी जॉब, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी जॉब ऑल्सो अवेलेबल इन प्रीवियस वीडियो, प्लीज़ चेक इट। नीपू कुमार राय लिखते हैं, हेलो हेलो जी। बाबू यू लिखते हैं, डेली विथ
डम्बुल कैन टेलीग्राम मेक द बिलीव इन द डार्क, कुछ फ़ायदा नहीं। जाहिद हुसैन, व्हाट डू यू मीन, मेरे पूछने का मतलब मुंबई में कहाँ पर फेक एक्सपीरियंस। भाई देखिए, ये फेक चीज़ें हमें ना पूछा करें, क्योंकि फेक बारे में हमें कुछ आइडिया है नहीं, जो जेन्युइन है वो पूछे, वो आपको बता सकते हैं। गुड्डू राज लिखते हैं, सेम टू यू भाईजान, थैंक यू वेरी मच जी गुड्डू जी। राज जी, तौहीद अहमद लिखते हैं, भोजपुरी वर्स हैं, जजाकल्ला खैर, शुक्रिया जनाब। दिलीप राम लिखते हैं, हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर जी दिलीप राम जी। शाह इंटर लिखते हैं, सर जी आपका नंबर दीजिए, नंबर आपको दे दिए। मोहम्मद दस्तगीर लिखते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर का जॉब मिलेगा क्या? जरूर मिलेगा, थोड़ा इंतज़ार रखें। एम डी शाकिब अली लिखते हैं, 19 साल का हो रसिया में, हमने बताया था ना रसिया का, आपको थोड़ा वहाँ से कंसल्ट करना पड़ेगा जहाँ वैकेंसीज हैं। मोहम्मद शाकिब अली लिखते हैं, मेरा चाचा रहता है, बहुत अच्छी बात है, फिर चाचा को पूछ ले, क्लियर बता पाएंगे वो। प्रदीप भट्ट लिखते हैं, थैंक यू सर, प्लीज़ सर, थैंक यू प्लीज़, समझ में नहीं आया। नकुल रेड्डी लिखते हैं, जी आर पी लेमिनेटर, जी आर पी लेमिनेटर का बहुत सा जॉब आया हुआ है भाई, आपने देखा नहीं है? आप क्या कहें, आप जितने भी भाई हैं आपको एक बार ज़रूर बताएंगे कि आप अपने आप यूट्यूब पे जाके एक बार हमारे चैनल पे आके एक बार ज़रूर चेक कर ले कि आपने बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक किया हुआ है या नहीं, आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये ज़रूर एक बार चेक करें। एमडी खान लिखते हैं, सर कोलकाता का अच्छा कॉन्सल्टेंट बताइए भाई, इंशाल्लाह ज़रूर इसके बारे में वीडियो लेके आएंगे हम। गुड़िया लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, नया साल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक जी आपको। शेख रिजवान लिखते हैं, ब्रदर मेक सम वीडियो ऑन फॉर फ्रेशर ऑल्सो, फ्रेशर ऑल्सो जॉब इज अवेलेबल इन दियर, प्लीज़ चेक इट आउट। अरशद खान लिखते हैं, सर यू डिज़र्व मोर सब्सक्राइबर, यू आर डूइंग ग्रेट, थैंक यू वेरी मच जी अरशद खान। अरशद खान, इन लॉकडाउन की कुछ जेन्युइन कॉन्सल्टेंसी बताइए लखनऊ की, इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो लाएंगे बहुत जल्द। धर्मेंद्र लिखते हैं, सर बेंगलोर में ऑफिस कहाँ पर है, वह सरावन का नंबर सेंड कीजिए। नंबर आपको थोड़ा गूगल से निकालना पड़ेगा, सारे बोझ हम पे मत डालिए भाई। मिथिलेश कुमार लिखते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू वेरी मच जी, हैप्पी न्यू ईयर जी मिथिलेश कुमार जी। फैयाज अहमद लिखते हैं, ब्रो प्लीज़ अपलोड लाइट व्हीकल ड्राइवर जॉब फॉर कतर, इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करेंगे। अजाम परिकर लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई मुबारक, मुंबई की कॉन्सल्टेंसी के बारे में बताओ स्टोर कीपर, बहुत सी कॉन्सल्टेंसी के बारे में हमने बता रखा है, चेक करें आप एक बार। कुतुबुल रहमान लिखते हैं, सर मैं मुंबई आया हूँ सऊदी अरब जाने के लिए, रेस्टोरेंट की कोई काम मिलेगा क्या? रेस्टोरेंट का काम ऐसा है ना, आप सऊदी अगर मुंबई आए हुए हैं तो वहाँ पे क्या कैटरर्स का काम चलता है, 250 डेली कैसे कुछ हिसाब किताब है, 250-300 का, तो कैटरर्स वाले कुछ बंदे सप्लायर है तो आप वहाँ पे कांटेक्ट करें, या फिर आप अपना लोकेशन बताएं तो हम कुछ कर पाएंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। नीपू कुमार राय लिखते गुड, थैंक यू वेरी मच जी। नीपू कुमार राय फिर से लिखते गुड, थैंक यू वेरी मच जी। नीपू कुमार राय लिखते व्हाट्सअप नंबर गिवन, व्हाट्सअप नंबर हमने आपको दे दिया। अरशद खान लिखते भोजपुरी वर्ल्ड, सिवान सर आपका नंबर वो भी हमने दे दिया है। राजू लिखते हैं, सर लखनऊ का ऑफिस का नाम बताइए, इंशाल्लाह ज़रूर इस पर वीडियो बनाएंगे हम। मोहम्मद मुश्ताक लिखते हैं, सलाम अलैकुम, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का जॉब है, चाहिए। मेडिकल लैब टेक्नीशियन का जॉब अभी तो नहीं है, लेकिन पिछले हफ्ते आया था, अभी तो वैलिड नहीं होगा हमारे ख्याल से, फिर भी अगर पिछले हफ्ते तक कुछ वीडियो चेक कर लें आप अगर वक्त है तो। अरुण चौहान लिखते हैं, सीएनसी जॉब है, जॉब था अभी फ़िलहाल तो नहीं है, फ्री जॉब ग्लोबल लिखते हैं, नाइस वीडियो, थैंक यू वेरी मच जी। नजीम खान लिखते हैं, आज वीडियो नहीं आया सर, आया थोड़ा लेट आया बॉस, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ऑल इन वन स्किप लिखते हैं, ओमा ग्रुप ऑफ कंपनी कैसी है दुबई में? अच्छी कंपनी है, ठीक ठाक है। दिलीप डीके लिखते हैं, भाई अपना फ़ोन नंबर देना, ज़रूर दे देंगे आपको। कुतुबुल रहमान लिखते हैं, भोजपुरी वर्ल्ड, सिवान सर आपका मोबाइल नंबर दीजिए, नंबर दे दिया हमने आपको। राजू लिखते हैं, सर लखनऊ का, भाई बता देंगे इंशाल्लाह ज़रूर, हमने बता दिया। आकिब शेख लिखते हैं, मज़ा नहीं आया, इंशाल्लाह इस वीडियो में ज़रूर मज़ा आया, आप प्लीज़ वीडियो ज़रूर चेक कर ले। और मिथिलेश कुमार लिखते हैं, गुड मॉर्निंग जी, पिक्चर क्वालिटी थोड़ा ठीक नहीं था, ओके सॉरी फॉर दैट। नीपू कुमार लिखते हैं, गुड, थैंक यू जी। अब्दुल लतीफ़ लिखते हैं, अरे भाई तुम खुद, हाँ बात सही है अब्दुल लतीफ़ जी, नाराज़ ना हो, आपकी बात हम समझ पा रहे हैं, इंशाल्लाह इस वीडियो में सारी शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। नीपी कुमार राय लिखते हैं, गुड, थैंक यू वेरी मच जी। मोहम्मद अशरफ 7 गुरु लाइब्रेरी लिखते हैं, हाय अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कोई क्रेन ऑपरेटर का जॉब है बताइए सर? क्रेन ऑपरेटर का जॉब इसी वीडियो में, आप वीडियो चेक करें एक बार। सहमत ब्लॉग लिखते हैं, साफ दिखाई नहीं दे रहा, साफ इस वीडियो में ज़रूर दिखाई देगा इंशाल्लाह, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। सहमत ब्लॉग लिखते हैं, फ्लाई कब तक चालू होगा अब भैया सऊदी और कुवैत का? बहुत ही जल्द चालू होगा इंशाल्लाह।
राय रेडी लिखते के उमपत्ती 6G G 5G। आप वेल्डर है तो वेल्डर का बहुत सा जॉब अप्लाई करें सिंगापुर के लिए, वहाँ अप्लाई कर ले। सर आप करंट रिक्वायरमेंट डालिए, करंट रिक्वायरमेंट ही डाल रहे हैं हम, कोई 2-3 साल पीछे का नहीं डाल रहे बॉस। फ्री करना, हाँ रिक्वायरमेंट का ऐसा था ना, थोड़ा हमारा रिक्वायरमेंट लेट होता है, लेट होने की वजह ये हमको थोड़ा छानबीन करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है, उसके बाद हम रिक्वायरमेंट डालते हैं। ऐसे अगर रिक्वायरमेंट हमारे पास मेल आ गया तो वहाँ से उठा के नहीं डाल सकते, क्योंकि हम थोड़ा उसमें मेहनत करते हैं, थोड़ा काम करते हैं, इसलिए हमें थोड़ा वक्त लगता है। तो अगर इस चीज़ से आप सहमत नहीं है तो अगर आप चाहते हैं जो भी रिक्वायरमेंट है डाल दें तो ज़रूर हमें मैसेज करें, हम तुरंत का तुरंत डाल देंगे। जिस वक्त हमारे पास डिलीवर होगा उसी वक्त आपका पब्लिश किया जाएगा। तो वैसा आप चाहते हैं या फिर चाहते हैं आप जेन्युइन रिक्वायरमेंट और क्लियर करके सारा कुछ फाइनल करके आपके पास पब्लिश किया जाए, आप ज़रूर बताएं। यहाँ पर रखते हैं फ्री कनेत, फ्रीकनेत या फ्री कनेत ऐसा कुछ है, फ्री ड्राइवर हूँ, कोई जॉब हो तो बताइए गल्फ की। ज़रूर जॉब बहुत सा है, फ्री का नेट है तो फिर आपको क्या टेंशन है, वीडियो पूरा देखिए, फिर बहुत सारी वीडियो पूरा चेक करें, फ्री का नेट है तो टेंशन मत लीजिए, फिर पूरा चेक कीजिए, इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगा। ये था हमारा अब तक का पूरा रिक्वायरमेंट और पूरी डाउट्स पूरी कमेंट्स, उम्मीद करता है आपको पसंद आया होगा, आपका जो भी डाउट्स हो क्लियर हो गए। इसके अलावा भी कोई डाउट्स रहता है तो ज़रूर हमें कमेंट्स करें, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट्स का, आपके सवालों का जवाब देने के लिए। अगला वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।